आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर ने भाजपा से दिया इस्तीफा, टिकट न देने की वजह से थे नाराज। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई शनिवार की सुबह येलो अलर्ट जारी। पीएम मोदी आज 11 बजे जिलाधिकारियों से करेंगे संवाद, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की लेंगे जानकारी। व्हाट्सएप पे नहीं भेजे जा सकेंगे सरकारी दस्तावेज, सरकारी कामकाज को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। तीसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 48,000 से अधिक नए केस। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। सरकार द्वारा जहां एक ओर किसान की आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है, वहीं भूखों मरने की कगार पर खड़ा किसान अपनी लहलहाती फसल को बचाने में रात दिन परेशान नजर आ रहा है। बता दें कि सलोन तहसील में परदेशपुर चौकी के अंतर्गत मवेशियों से परेशान किसानों ने एकजुट होकर छुट्टा मवेशियों का एक बड़ा बाउंड्री वॉल में बंद कर दिया। ये मवेशी रवि फसल का नुकसान कर रहे थे, तो वही मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा गौशाला बनाया गया है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी छुट्टा पशु इधर उधर घूमते फिर रहे, जिनकी वजह से आलू, गेहूं, मटर, सरसों की खेती बर्बाद हो रही है। किस गांव के निवासी हैं आप? बसदेवपुर के। क्या समस्या है आपकी? साहब गोरू बहुत परेशान करे हैं, खेत चले जा रहे हैं सब। हम बुढ़ापा साहब रात भर दौड़ा करे थे। आपको बता दें कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से आलू, गेहूं, मटर, सरसों की खेती बर्बाद हो रही है। छुट्टा पशुओं की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक दीवार बनाकर सारे गायों को उसके अंदर बंद कर दिया। मवेशी रवि फसल का भी बुरी तरह से नुकसान करते नजर आ रहे हैं, परेशान। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम शंकर, मौजूदा अधिकारी क्या इस पे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? ये देखिए, निश्चित सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि 30 जनवरी तक जो है वो सभी आवारा जानवर गौशालाओं में पहुंचा दिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही से इन किसानों को जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसी से आगे जाकर उन्होंने एक बाउंड्री वॉल में इन जानवरों को बंद कर दिया। तो अभी क्या कोई मौजूदा अधिकारी वहां पहुंचा, इस मामले पे संज्ञान लिया गया कुछ? नहीं, अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ग्रामीणों ने जो है बाउंड्री के अंदर बंद करके बाहर से ताला डाल दिया, और जितने भी आवारा जानवर थे वो इस समय बाउंड्री वाल के बंद है। अब आज देखिए, आज छुट्टी का दिन भी है, सुबह से बारिश भी हो रही है। अगर कोई जिम्मेदारी अधिकारी पहुंचता है, और आपको ये भी बताने के लिए, वो सुबह से ही जब से बंद है जानवर भूखे प्यासे वहीं पर तड़प रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जिला प्रशासन का अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। जी धन्यवाद ओम शंकर। जनपद बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बछेड़ा में सरसों के खेत से एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में जानकारी ली गई, और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। एक सरसों के खेत में एक लगभग 22 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पे फैजगंज बेहटा की पुलिस पहुंची
और बाद में उस मृतक की शिनाख्त मनबीर पुत्र शर्फीलाल ओरछी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले ओरछी गांव के निवासी के रूप में हुई। इनकी बझेड़ा में एक दुकान है जिसपे ये प्रातः 10 बजे गए थे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे, उसके साथ बैठ करके थोड़ी देर अलाव तापा, दुकान में बैठे, उसके बाद मोटरसाइकिल से ये बगल में टेलर को बता करके कहीं जाने की बात बता करके गए और दोपहर में इनकी डेड बॉडी वहाँ पे सरसों के खेत पे मिली है। इसमें परिजनों ने अज्ञात हत्या के अभियोग की तहरीर दी है। इसमें हत्या का अभियोग थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं में कायम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल और उस अज्ञात युवक जिसके साथ गए थे और इनके मोबाइल मिसिंग है पता नहीं है, इस संदर्भ में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करके जिसने भी कृत्य किया होगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई। रायबरेली में चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की है। चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले भर में 65,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 116 की कार्रवाई की है, जिनमें 52,000 लोगों को पाबंद किया गया है। जिले में चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका के तहत पुलिस ने 35 लोगों को जिला बदर भी किया है। पुलिस ने 3 ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत 10 धाराएं लगाई हैं जो जिला बदर होने के बावजूद चोरी छिपे यहां रह रहे थे। पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर की गई निरोधात्मक कार्रवाई के अलावा मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए समय समय पर अलग सर्किल में पैदल मार्च निकालकर सुनिश्चित किया। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को जिला बदर भी किया है, जिसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला में रह रहे हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराओं से मुकदमा भी दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है कि 2022 विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराया जा सके। वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम शंकर, ये कौन लोग हैं जिन्हें जिला बदर करने के बाद भी चोरी चुपके रह रहे हैं, जिन पे पुलिस ने कार्रवाई की है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है जिला बदर होने के बावजूद भी रात बिरात जो है वो छुप के अपने घर आ जाते थे, लेकिन पुलिस अब की बार जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही है। कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो है सर्विलांस सिस्टम हो या जो है गाँव में तैनात मुखबिरों की सूचना पर वो तुरंत पहुंचकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन दस्तक भी चलाया जा रहा है। जो हिस्ट्री शीटर है उनके घर जाकर भी पुलिस उनके जो है फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर रही है और उनको निर्देशित भी कर रही है कि अगर चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो जेल जाना पड़ेगा। मौजूदा पुलिस वहां पे मार्च निकाल रही है, तो क्या लोगों में अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो शांतिपूर्वक ढंग से अपने मत को दे सकते हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लगातार वो फ्लैग मार्च ITBP जो पैरा मिलिट्री की जो विंग है उसके साथ निकाल रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही, मतदान करने के लिए भी, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जी धन्यवाद ओम शंकर। खबर मऊ से है। जनपद के गिरधारी पोहारी स्कूल के पास एक युवक को गोली मार दी गई। बता दें कि युवक अपनी गाड़ी पर सर्विस सेंटर पर सर्विसिंग करा रहा था, तभी युवक को 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारते हुए फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया और आगे की जांच में जुट गई। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। घटना में एक महिला भी हादसे का शिकार हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को CHC पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिन दहाड़े महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां दबंग बाप बेटे ने न सिर्फ महिला के साथ अभद्रता किया बल्कि मारपीट करते हुए उसका मकान भी जला दिया। फिलहाल पीड़ित महिला के पति ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
खबर आगरा से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी दिगंबर सिंह धाकिर भाजपा से टिकट न मिलने के कारण फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे भरोसे में रखा और अब मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। खैरागढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा बात करती है संस्कारों की और विचारों की, विचार परिवार की बात करती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप विचार परिवार की बात करिए, संस्कारों की बात करिए, लेकिन जो आपके जिन विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों को हराया, उन प्रत्याशियों को हराया पिछली 5 साल पहले, उसी प्रत्याशी को आपने वहाँ टिकट दे दिया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और अगर कुठाराघात है, अगर आप ये मान के चलें कि नहीं साहब वो प्रत्याशी जिताऊ है और जो पूर्व विधायक थे वो जिताऊ नहीं थे, तो क्या आप 5 साल में उस विधायक का जो जिताऊ अब आपके लिए नहीं रहा? खबर है अयोध्या से है, जहां देर रात सरयू घाट पर 40 व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं युवक को श्रीराम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। कल रात्र में एक लड़के का, और जिसका नाम श्याम है और अभी उसका नाम पता अज्ञात में है, और उसका जो है यहाँ पर विवाद हुआ, झगड़ा कर लिए, मारपीट हुई, जिसमें उसको चोटें आई, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और इस सूचना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है, जो भी घटना कारित किया है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और पूरे प्रकरण में पूरी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय है, जिसको लेकर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख की अध्यक्षता में मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसी को लेकर जिले में प्रचार प्रसार करने हेतु लोगों को आदेशित भी किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और दान में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद बलरामपुर में हमारी टीम के द्वारा घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है, हर बूथ स्तर पर, और सभी लोगों से मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारा जो टीम है उसका प्रयास है कि हर मतदाता को हम जागरूक कर सकें और हर मतदाता को इस तरीके से प्रेरित कर सकें कि वो बूथ पर अवश्य जाए और अपने सबसे प्रिय उम्मीदवार का चयन करे मतदान के द्वारा। खबर देवरिया से है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस ली है, वहीं रामपुर के बरियारपुर में थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जिससे अपराधियों में अफरा तफरी का माहौल है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।